हाय फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंट टाइप की कुकीज़ बनाएंगे जो कि हम एक ही डो से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने इस कटोरी के नाप से 1.5 कटोरी ये पिसी हुई चीनी ले ली है, जो घर की पिसी हुई चीनी है, आइसिंग शुगर नहीं है। और इसमें मैं इसी कटोरी के नाप से 3 कटोरी मैदा डालूंगी। ये मैं 3 कटोरी डालूंगी। अभी मैंने 1 कटोरी ली है, 2 और ये तीसरी। अच्छे से छान लेंगे मैदे को। ये मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ, बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। तो इन सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे, चीनी, मैदा और बेकिंग पाउडर को। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया। अब उसी कटोरी के नाप से मैं 1.5 कटोरी देसी घी ले लूँगी, जो पिघला हुआ है पर गर्म नहीं है। ये ध्यान रखें, पिघला हुआ हो पर गर्म ना हो। अगर आप बटर भी ले रहे हो तो वो रूम टेम्परेचर पर पिघला हुआ हो, गर्म ना हो। ये मैंने पूरा 1.5 कटोरी घी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक रफली डो बना लेंगे इसका। इसमें मैं 1 चम्मच करीब दूध डालूंगी ताकि ये अच्छा सा डो तैयार हो जाए इसका। ये बिल्कुल मैंने जरा सा डाला है। इसको अच्छे से मिला के इसका एक डो बनाएंगे। इसको ज़्यादा देर गूंथेंगे नहीं, बस हल्के हाथ से मिक्स करके इसका डो तैयार करेंगे। इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। एक भाग में मैं ये मैंने 1 टेबल स्पून पिस्ता ले लिया, जिनको रफली क्रश कर लिया, ये डाल देंगे हम इसमें। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो एक ही हमारा पिस्ता फ्लेवर तैयार हो गया। ये दूसरा हम चोको चिप्स वाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट को क्रश करके ले लिया। ये क्रश भी 1 टेबल स्पून है। अब एक ही मैंने सिंपल डो ले लिया, इसकी छोटी छोटी कुकीज़ बना लेंगे। ये मैं बनाऊंगी जैम फिल कुकीज़। तो इसको पहले हाथ से इकट्ठा करेंगे। अच्छे से इकट्ठी कर लेंगे, कहीं से भी क्रैक ना रहे। और इसके बीच में छोटा सा छेद कर देंगे जहां हम इसके बनने के बाद जैम फिल करेंगे। ये देखिए एकदम एक बाउल की तरह बन गई है। ऐसे ही मैं इसकी बाकी की भी कुकीज़ बना लेती हूँ। जो फोर्थ वाला है, इसमें हम जो हमने चॉकलेट गनाश तैयार करके रखा था वो डाल देंगे और हम चॉकलेट कुकीज़ बनाएंगे। हमने कोको पाउडर नहीं डाला है चॉकलेट कुकीज़ बनाने के लिए। सीधा चॉकलेट को ही दूध के साथ मेल्ट करके इसमें मिला दिया है। अब हम इसकी चॉकलेट कुकीज़ बना लेंगे। ऐसे ही मैं बाकी के भी कुकीज़ तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने चारों तरीके की कुकीज़ तैयार कर ली है। और बाटी कुकर को मैंने हाई फ्लेम पे ही प्री हीट होने रख दिया है। 5 मिनट तक उसको प्री हीट करेंगे, फिर हम लो फ्लेम पे कुकीज़ को बेक करेंगे। ये मैंने मोल्ड को घी से ग्रीस कर लिया। अब इसमें कुकीज़ रखेंगे और जो कुकीज़ हम अभी बेक नहीं कर रहे हैं उनको हम फ्रिज में रख लेंगे। ध्यान रखें फ्रिज में रखें, फ्रीजर में ना रखें। बाटी कुकर प्री हीट हो गया है। अब हम इनको बाटी कुकर में रख लेंगे और 20 मिनट तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक होने देंगे। तो अब ये 20 मिनट हो गए और ये देखिए कितने अच्छे हमारे कुकीज़ बेक हुए हैं, ऊपर से भी लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने ईजी वे में अलग हो गए और बिल्कुल नहीं चिपके हैं कहीं पे भी। तो इनको हम अलग कर लेते हैं, यहाँ से दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा कर लेंगे इनको। तो ये मैंने चॉकलेट वाली डाल ली है मोल्ड में। अब इसको भी हम बेक करने के लिए रख देंगे उसी टाइम तक, 20 मिनट तक। ये मैंने 1 टेबल स्पून जैम ले लिया, यूनिस फ्रूट जैम है। इसको अच्छे से बीट करके सॉफ्ट कर लेंगे और अब हम ये गरम गरम कुकीज़ में ही डालेंगे। अब हम इनके ऊपर कुछ दाने चीनी के डाल देंगे जैसा कि मार्केट में मिलते हैं। तो ये हमारे जैम फिल कुकीज़ भी रेडी है। तो अब ये हमारे चारों तरीके के पिस्ता कुकीज़, चॉकलेट कुकीज़
चॉकलेट चिप्स कुकीज़ और जैम्स की कुकीज़ तैयार है। और ये कितने कुरकुरी बनी है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है और बिल्कुल अच्छे से सीखी है ये सारी की सारी। तो बस आप भी ऐसे इजी वे में घर पे ये कुकीज़ बनाइए घर के ही सामान से और इनको बच्चों और बड़ों के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू।